वेलकम बैक। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा अपने ऊपर पड़ी इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए 3 दिन तक नंगे सोए। अच्छा आइडिया, उन्हें नंगा देखकर इविल तो क्या कोई भी स्पिरिट रफू चक्कर हो जाएगी। लेकिन मानना पड़ेगा, नहीं इसे कहते हैं सत्ता के लिए नंगा हो जाए। वैसे ये यड्डी साहब ने, पता नहीं चड्डी क्यों नहीं पहनी थी, हाँ यड्डी साहब ने थोड़े दिन पहले अपने तांत्रिक के कहने पर एक गधे की बलि भी चढ़ा दी। तांत्रिक ने कहा था अपने जैसी शक्ल के किसी भी जानवर के बलि दे सकते हो। बट अजीब है ना, बेचारा रोड पे घूम रहा होगा गधा, जिसे कर्नाटका पॉलिटिक्स तो क्या दुनिया के किसी पॉलिटिक्स में कोई रस नहीं होगा, और उसे पकड़ लिया कि चलो तुम्हें अपनी जान देकर सीएम की कुर्सी बचानी है भैया। आई थिंक इसीलिए विदेश से लोग आकर हमारे यहाँ गधों को बचाने का एनजीओ खोल रहे हैं। याद है ना, अरे वो गुड़गांव का गधों वाला एनजीओ प्रोजेक्ट एस्विन, ब्रिटेन के एक रिटायर्ड कपल ने गुड़गांव में गधों के लिए एक एनजीओ खोला है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि उन्हें गधे ढूंढते ढूंढते ब्रिटेन से गुड़गांव तक आना पड़ा। बट आई थिंक इट्स अ नाइस आइडिया, गधों के लिए एनजीओ। आई मीन ज्यादा रिलेटेबल भी है, यू नो, एज कंपेयर टू शेर बचाना। आई मीन हमने कौन सा अपने घरों के आसपास बचपन में शेर देखे? गधे हमेशा से देखे है ना। अच्छा, इफ यू कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली तो घर के अंदर भी देखे। एस्विन नाम के इस एनजीओ ने, यस इट्स कॉल्ड एस्विन, जैसे कि गधों को भी इंग्लिश आती है। तो मैं कह रहा था एस्विन नाम के इस एनजीओ ने भी एक एड निकाली है, जस्ट टेक अ लुक। लव एसेस, सेव एसेस, ओनली 25 करोड़ लेफ्ट, जॉइन एस्विन। और सवाल यह है कि ऐसे टाइम में मेनका गांधी कहां चली जाती है? फिल्म में कोई घोड़े को घास भी खिला रहा हो तो उनको उल्टियां होने लगती है, और यहां सीएम गधे की बलि दे रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं हो। हाँ, वो तो उन्हीं के पार्टी के सीएम है। सॉरी 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 मेनका जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। इसके बाद से एक फायदा हुआ है, अपनी जान बचाने के लिए कर्नाटका के सारे गधे कम से कम येड्डी के सपोर्ट में आ गए, इंक्लूडिंग जगमोहन रेड्डी। अब सीधे चलते हैं आज के बूथनाथ पे, जिसमें है कुछ बड़े बूढ़े आज के टीनएजर्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए। आइए देखिए। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आता कि तुम अपनी जींस ठीक तरह से क्यों नहीं पहन सकते हो। पूरी दुनिया को अपनी चड्डी और आधा पिछवाड़ा दिखाना जरूरी है। साले अपना बेल्ट क्यों नहीं खरीदते हो? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, हर लड़का 2 मोबाइल खरीदता है और हर तीसरे महीने बाद पुराना फेंक देता है, लेकिन उन्हें फोन पर बात करते कभी नहीं देखा। ये फेसबुक करते रहते हैं, भला हो इन फेसबुक वालों का, साले ऐसे ही चुतिया बनाते रहे। और अगर पैंट आधी नीचे पहननी है तो कम से कम बॉक्सर तो खरीद लिया करो। सारी दुनिया को फ्रेंची का इलास्टिक दिखा के क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम्हें मुंह को 6 फुट गोगल से कवर किया हुआ है और खरी नंगी। ये क्या कपड़े पहनते हैं आजकल, शर्ट तो भूल गए सब। सब या तो वो 6 गब्बार वाले टी शर्ट पहनेंगे या फिर वो अंग्रेजी कोई विलायती फुटबॉल क्लब की टी शर्ट। एक लौंडा आया था मेरे पास परसों, कहता है मेरी टीम हार गई, मैं बहुत उदास हूँ। तो इसकी टीम जिंदगी में फुटबॉल खेलते हुए तो नहीं देखा, पता नहीं एक टी शर्ट पहन के सब इतने बड़े फैन कैसे हो जाते हैं। ये आजकल के बच्चे हंसना बोलना भूल गए लगते हैं। मैंने अपने लड़के को चुटकुले सुनाए तो हंसने के बजाय बोला एलओएल। मैंने पूछा ये एलओएल क्या होता है तो कहने लगा लाफिंग आउट लाउड। लाफिंग तो कहीं दिखाई नहीं। ये का होता है भाई? अरे हमें तो सिर्फ यूथ लीडर पता है, हमारा जोशी जी है ना, अभी भी बहुत ही यूथ है, सिर्फ 55 के भी नहीं हुए अभी तक तो। और ये टीनेजर्स, ये तो सबका सब चूतिया होते हैं, वोट ही नहीं करते हैं,
चूतिया सब। सुन लिया भाई, टीनेजर्स ये सोचता है पूरा देश तुम्हारे बारे में, इसलिए शर्म छोड़ो, अभी बाकी है आज के एपिसोड का डेजर्ट, सविता भाभी।